अगर आप एमएस के पुराने स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होगा कि अधिकतर बच्चों के बुक्स उनके टाइम पे नहीं पहुंच पाते जब उनको ज़रूरत होती है। और अगर आप नए हैं, आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि जो मैं बातें बताने वाला हूं बुक्स को लेके, ये एक हमारी मुहिम है जिसका आप हिस्सा बन सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन में ऑल वाला प्रेस करना है। और सारी बातें, डिटेल बातें हम आज की वीडियो में आपसे बताने जा रहे हैं कि ये बुक्स की जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व कराने का जो तरीका है वो हम लेके आए हैं, और ये प्रॉब्लम जो है आज ख़त्म करेंगे। बस ज़रूरी है कि आप हमारे साथ रहें। आगे बढ़ेंगे उससे पहले मेरे साथ हाथ जोड़िए और बोलिए जय श्री राम। मेरा नाम है वीरेंद्र गिरी, आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं, और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट एमएस मेंबरशिप चैनल, जहां पे आप इस नंबर को, यानी इस नंबर को भी आप सेव कर लो, कभी भी आपके काम आ सकती है। एमएस से रिलेटेड आपकी कोई भी परेशानी है, आप घर बैठे केवल कॉल करके आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। आप मेंबरशिप को आज ही ज्वाइन कीजिए पूरे 30 दिनों तक, जिसके लिए आपको 300 पे करना होता है। ये एक सपोर्ट अमाउंट होती है जो कि कंसल्टेशन चार्ज होता है। इसके आगे बात करें, अगर आपको मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करनी तो आप मुझे कॉल मी फॉर ऐप के जरिए भी बात कर सकते हैं, हम आपके लिए रेडी हैं, आपकी सेवा में हाजिर हैं। अब बात करते हैं इसके आगे, वीडियो को शेयर करो और इसको लाइक जरूर करना, और नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे आते हैं, अब पॉइंट को हम समझते हैं, ध्यान दीजिए। यहाँ पे बात करेंगे बुक्स की। देखो, अगर हम एमएस की बुक्स की बात करें तो एमएस ने जो है अपने सभी बुक्स की जो है प्राइस लिस्ट जो है दिखा रखी है। एमएस की जो बुक्स की जो प्राइस लिस्ट है आप अभी यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने अपने बुक्स की प्राइस लिस्ट बता रखी है कि हमारी बुक्स जो है उसकी कितना, उसका प्राइस लिस्ट है, उसका कितना प्राइस है, एक बुक की कीमत कितनी है। ठीक, यहाँ तक क्लियर आ गया। जब आपने कीमत शो कर दिया एनएस बोर्ड वालों, जब आपने कीमत शो कर दिया कि आपके बुक्स की कीमत इतनी है, तो अब बात ये आ जाती है कि क्यों ना फिर बुक्स को उनके घर तक पहुंचाने के लिए, यानी जो बच्चा एडमिशन लेता है बुक्स के पैसे दे देता है, तो ये बुक्स एक टाइम लिमिट में उन बच्चों तक पहुंच जाना चाहिए। पहली बात तो ये, क्या मैं गलत कह रहा हूँ, आप बताइए, सही कह रहा हूँ, उनके उनके पास पहुंचना चाहिए। अब बात आ जाती है उनके पास बुक्स ही नहीं पहुंचे तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, और बच्चे बुक्स का इंतजार करते इसीलिए हैं। बुक्स की जो कीमत है उन्होंने वो भी तो दिया है, वो तो आप ऐड करके एक साथ ही फीस भी आप ले लेते हो, तो उसको तो आप छोड़ते नहीं हो। यहाँ पे बात ये आ जाती है, पहली बात ठीक है, आपकी बुक्स जो है बच्चों को मिलना चाहिए ताकि उनको पता चले कि बोर्ड की बुक्स है, उनका प्रॉपर सिलेबस क्या है, इसमें कोई बुराई नहीं है, बुक्स आनी चाहिए। लेकिन बात आ जाती है, अगर बुक्स आती है तो वो ऑन टाइम पे आना चाहिए, एक टाइम लिमिट होती है उसमें आना चाहिए, जिसमें बच्चे जो है अपने बुक्स के साथ जो है तैयारी कर सके। ऐसा नहीं है कि सब बच्चे के पास फ़ोन हो और वो इस तरीके से पढ़ाई कर सके, या सबके पास जो है डेटा हो, नहीं हो पाता है। बच्चे गरीब हैं, गरीब घर से होते हैं, इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, मजबूर होते तभी तो एनएस के अंदर आते हैं, यहाँ पे सोचना चाहिए। अब हम इसके आगे बात करते हैं, तो जब बच्चों ने पेमेंट दे दिया है बुक्स के लिए तो बुक्स उनको टाइम पे मिल जाना चाहिए। अगर टाइम पे नहीं मिलेगा तो फिर बुक्स जो है, यहाँ पे बात आ जाती है, समझिए, अगर टाइम पे नहीं मिलेगा तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे। एनएस बोर्ड को चाहिए कि एक टाइम लिमिट जो है वो फिक्स कर दे कि एक महीने में या डेढ़ महीने में बुक्स जो है, क्योंकि सबसे ज़रूरी बुक्स होती है, ये बुक्स जो है बच्चों के एड्रेस तक डिलीवर हो जाएगा, इसकी जिम्मेदारी एनएस बोर्ड को लेनी चाहिए। अगर एक टाइम पीरियड है, मान लीजिए 45 दिन, अगर यहाँ पे 45 दिन का टाइम रख दिया जाता है कि 45 दिन में बुक्स जो है बच्चों को पहुँच जाएगी, अगर नहीं पहुँचती है तो एनएस को चाहिए कि जो बच्चे का पेमेंट है वो उनको रिफंड कर दे। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है कि जब एडमिशन के टाइम पे बच्चे ने पेमेंट कर रहे हैं तो उसी टाइम बुक्स जो होती है, बुक्स का जो पेमेंट है, एक ऑप्शन बना देना चाहिए। बच्चा खुद डिसाइड कर सकता है इस बात को कि उनके एरिया में पोस्टमैन जो है, वहाँ के पोस्ट ऑफिस का वर्क कैसा है, क्या उनके पास पहुँचने वाला है या नहीं पहुँचने वाला है, तो इस तरीके से एक ऑप्शन बना के दे दे, तो जिससे बच्चा अपना जो है पहले से इन चीज़ों को लेके चलेगा और वो किसी भरोसे में नहीं बैठे रहेगा कि अब बुक्स आ रही है, अब बुक्स आ रही है, और इस वजह से उनका टाइम जो है वेस्ट हो जाता है। अब बात करेंगे, ये तो हमने अपने रास्ते रख दिए, और बात करते हैं अब इसमें आप हमारी कैसे हेल्प कर सकते हैं, समझिए। इसमें हेल्प करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका हो जाता है कि आप जो है, देखो,
कोई भी बातें होती है, कोई भी मुद्दा होता है, उसको चलाने के लिए मकसद क्या होता है कि आप लोगों को वहां पे आना है हमारे ट्विटर अकाउंट पे। ट्विटर अकाउंट जो हमारा है उसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हम अपनी बातों को एनएस बोर्ड तक पहुंचाएंगे, लेकिन मैं अकेला क्या कर सकता हूं जब तक आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिलेगा। और आपको हमारे इसी ट्वीट्स को रीट्वीट कराना है ताकि हम एनएस बोर्ड वालों को उनकी नींद से जगा सके और उनको बता सके बच्चों की क्या परेशानी है। अगर एनएस बोर्ड चल रहा है तो किन की बदौलत चल रहा है? स्टूडेंट्स की बदौलत। अगर स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो फिर बोर्ड कैसे चलेगा और किसके लिए चलेगा, ये मायने रखता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए, क्योंकि जिनके लिए है और अगर उन्हीं की प्रायोरिटी नहीं मिलेगी तो फिर यहाँ पे मतलब स्टूडेंट्स को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अब जो है आप ट्विटर पे हमारे को फॉलो कर लिए हैं, अब इसके आगे यहाँ से हमारा जो है टॉपिक हमारा ट्रेंड होएगा। इसके आगे जो है मैं इनको लेटर लिखने वाला हूँ एनएस बोर्ड को, और उसके बाद जो है इन सभी परेशानियों को डालेंगे। आपकी कौन कौन सी परेशानी है आप मुझे ज़रूर बताएं, और लेटर की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में देने वाला हूं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपना सपोर्ट हमें ज़रूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, और आप अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।